बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देंगे ने ये आ चीज है नहीं आ है नहीं, कई कहने सुमेर पर्वत नहीं है कोई आ नहीं, कई चीजा ऐसा जो किसी दशा से जाके खुल दया ने। नैट के बहुत कुछ है, कंप्यूटर बहुत कुछ है, थोड़े फोन च बड़ा कुछ है। हूँ एवें अनपढ़ बंदे नूं 50-60-70 हज़ार का फोन ले दो करनी तो उन्हें गल होंगी, तो जे पढ़िया लिखा बंदा ता ही वह सारा नैट खोल के दे दो, तो इन्ने साधन ने यह जे ये बंदे जेडे कहने आ है नहीं विश्वकर्मा होया ही नहीं गा, इन लोगों ने कोई कमाई तो की नहीं होंगी, निंदण से ही लगे रहते हैं, नाले उन्होंने आ घर घाट बनाए ने, नाले उस कलयुग के वर होया वह भी तेरी उम्मत कलयुग के बहुत तरक्की करूगी, सारा कुछ वो हवा के वो होया ही नहीं है। फिर इस करके चलो जे चंगा नहीं कहना माड़ा भी ना कहो किसी, है तो सही। एक बंदा कहता तुम कहने ब्रह्मा ने सृष्टि साजी है, असी तो ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं मानते, अस निरंकार जी मानते हैं, निरंकार जी ने सृष्टि साजी है। मैं चल आप ऐ भी कह लीए तो भी ठीक है, फिर निरंकार जी ब्रह्मा के बिच ही बैठे ने, वो एक उन्होंने तरीका कढ़िया काढ़ कढ़ी है, राजा आप नहीं आता हूँ, सरकार हरेक के अंदर ही बैठी, सरकारी मुलाजम सरकार बड़ी हुई है वो हाथ, इस करके एक सिपाही गला नहीं हुंदा, वो मगर सारी फौज खड़ी हुंदी है, वो मगर सारी सरकार की ताकत हुंदी, इस करके इस एक सिख कला नहीं है, 24 अरब शहीदां सिंघां की गिणती है, सारे नाल ही खड़े, जे पूर्ण गुरसिख होवे रहतवान होवे हर टाइम सुरक्षा मिलती है। अवतार तो पहला जो सी वो सी हौली हौली महाराज ने, मैं तो महाराज के तरीके देख के हैरान हूँ भी चीज़ नूं छेड़ना नहीं, जे 12 माह उन्हूं छेड़िया नहीं है, पुराना 12 माह भी सीगा उन्हूं नहीं छेड़िया, उहदे विच उह अमृत पा दिता गुरबाणी का कि चेत गोबिंद आराधिया होवै आनंद घना, इउं नहीं कहा गो चेचू छड़ो परे आपां नहीं करनी यह गल, चेत गोबिंद आराधिया, कहिंदे चेत का महीना तां चंगा है जे गोबिंद की आराधना करदे हो, वैसाख तीरन क्यों वांडिया जिन्हां प्रेम विशोह हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तो दिन रहन बाणी थिती गौड़ी महला पंजवां, यह सारा कुछ एज इट एज रख के अंदरली चीज चेंज करती, भई आपां उहनां नूं नहीं मनणा, आपां जिस परमेश्वर ने चीज़ां बनाईआं ने उन्हां नूं मनना है। सुरत पाठी जिहड़े सी तत बेते सीगे ये अज वाले नहीं सीगे, जिहड़े अज वाले सुरत बेतू होर दूजे तीजे ब्राह्मण ने यह नहीं सीगे, उदों उदो बहुत अच्छे लोग होंदे सी, बड़े धर्मी होंदे सी, बड़े सच बोलन वाले होंदे सी, वह गुरु नानक साहब नूं आके मत्था टेकदे, सारे मुसलमान भी किन्ने पीरान पीर मानदे गुरु नानक साहब नूं, आ जिहड़े भगत फरीद जी दे सेवक ने सारे इधर मक्के वल जिते भगत फरीद जी कोई थां दसदे आ, वह दुबई तो सिंघां नूं लैके जांदे आ, पंज सिंघ चलो अखंड पाठ साहब करो लंगर तैयार करो फिर वह असीं छकांगे, उन्होंने दाढ़ी केस साफ ते रखे कटते नहीं है, वह जदों भगत फरीद जी के सलोक आते हैं सारे इकट्ठे हो जाते, आहा भाई भगत फरीद जी साड्या के सलोक आ गए ने, लंग जे पांच सिंह नहीं मिले लंगर नहीं तैयार सहज पाठ नहीं फिर वह मनाते ही नहीं, कहिंदे सिंघां दे हत्थों तैयार करवाउणा लंगर भी पाठ भी करनगे फिर फरीद जी के सलोक भी सुनते हैं, बाणिए जिहड़े सन वह अपना कर्म अच्छा करते सी उदों लोग ऐसे ही सी बड़े अच्छे सी, नीति संयुक्त विहार करना सो चतर सन आदर वालियां रूहां सन, तो आप अपना कार्य करते सी, ये पुरानियां गल्लां वालियां भी मेरे पड़नाना जी हो बरनाले तो खुरपे लियांदे, एक बार आपके पिंड साइकिल ते 40 किलोमीटर का पंध सी जाके लियांदे, तां फिर आके हिसाब कीता 5 पैसे कहिंदे ओह बाणिए ने वध देते मैनूं, तो मैं वापस मोड़ के उन्हें पाई रोटी बनाओ कहिंदे कल नूं बापू जी दे आयो, इहो जिहे हुंदे सी सारे पुराने बंदे, कहिंदे जे रात नूं मर गया फिर मैं उहदा 5 पैसे देण लई जन्म लऊंगा, मैं तां अज ही मोड़ के आउणा, वह साइकिल ते 40 किलोमीटर फिर गई धूरी दे कोल पिंड पैंदा इक कक्कड़वाल, उत्थों फिर जाके दुकानदार दे के कहिंदे ओह कहिंदे फिर आ जांदे, कहिंदे हुण मैं जे मैं रात नूं मर जां भला नहीं फिर ये 5 पैसे देण लई फिर मैं जन्म धारूंगा,
ऐसे लोग सी भी किसी का एक सूई भी ना रखनी, एक पैसा भी हराम का मानते सी खाना। पुराने लोगों में ये चीज सी, हुण जिहड़ी निकल गई सारयां दे विच्चों, जिहड़ियां साडियां अजकल दियां चलाकियां ने, संतलताइयां साडियां, खाने पीने ने साडा जो बोलना वह सारा ऐसा बन गया कि मन की एकाग्रता दे उत्ते बड़ा इफेक्ट पैंदा। सच केवल सच बोली जाओ ना, बंदगी भी ना करो, ता भी परमात्मा बड़े खुश होंदे ने। कल्ला सच बोल दो बस, सच ही नहीं कोई बोलता है, सच भी नहीं, झूठ बोली जाना नाले पाठ करी जाना, झूठ बोली जाना पाठ करी जाना, वह सारा काम इस करके खराब होंदा। फिर सुचम वाली चीज नहीं खानी है, झूठा ही झूठा खाई जाना, झूठा ही। कहने सिख नूं झूठ मारे जां झूठ मारे, दो ही चीजा सिख नूं मार दियां हन। इस करके महाराज कहने उत्थे दी कवि जी कहे, धरती दे उत्ते लोक ऐसे अच्छे सन जो भै रखदे सन परमेश्वर दा। ये शास्त्र हुण नहीं फड़े असीं, ये पहलां तों नहीं। क्षत्री धर्मां दे विच रामचंद्र जी कोले शास्त्र, जी कृष्ण जी कोले शास्त्र सन, पुराने समय में सब कोल शास्त्र हुंदा सी। कहे जिहड़े सी शास्त्र, क्षत्री को पूत हो ब्राह्मण को नाहि। महाराज ने कहा भी ये जिहड़ा सी क्षत्रियां दा धर्म है, तो ये आपां शास्त्र को रखना ही रखना है। इस करके उस इलाके दे लोग शास्त्र अपने कोल रखदे सन। युद्ध वेद का जिन्हें सुधारी, जिन्हां ने उस वक्त दे विच बड़ी वेदी जिहड़ी सी सुधारना कीती। हुण इह नहीं चीज़ां चलनियां, हुण की चलूगा, हुण कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम। जिन्हां ने बाणी सुनी, जिन्हां ने गाई आ, उन्हां नूं करोड़ां जगां दा भाई फल देवांगे असीं। इन्नी कोट पुन सुन हर की बाणी, हुण पुन्नां दा युग नहीं रहा। हुण की है, हुण ते जिहड़ी बाणी सुननी है बस इहदा ही वड्डा लाभ होवेगा। पर ये थोड़ी पुरानी वह गुरु नानक साहब के आने तो पहला जो चलदियां सी रौ रीतियां, जो आ के दूजिया ने शुरू कीतियां, जो ये चीज़ा भाई गुरदास जी ने बहुत लिखिया, जे कि उन्होंने वारा चल पियाँ कदे ना कदे, फिर देखियो पुरातन सारी चीज़ दसनी। जेड़ा दसम ग्रंथ में है, ये सतयुग सतयुग का तक सारा, जेड़ा सतयुग के शुरू के बिच होया सारा कुछ, उदू पहला दा जो सृष्टि के रचन वेले श्री सर्वलो प्रकाश के बिच, सर्वलो प्रकाश जेड़ा मैं ताइयों कहा दो पोथियां ने थले माड़ा माड़ा लिखिया भी होया, स्टीक कीता होया, वो लैके दो अंग एक अंग ही भावें रोज पढ़ लो। भी अज भी एक सिंह पुछता सी वो कित्थे लिखिया, खालसा मेरा रूप है खास। मैं हुण कहना सर्वलो पढ़िया, मैं चंगी तरह नहीं पढ़िया, तो वो विच ही लिखिया होया। सर्वलो दे विच बहुत कुछ खालसे निमित लिखिया होया। एक जेड़े ये ने, ये साडे सियाणे, अज सारे सिख सियाणे बुद्धिमान हो गए, स्कूलों की आधी पढ़ाई कर ली, जमा ही बेमुख हो गए। ये सारा कुछ महाराज ने साडे वास्ते, जिहड़ा आपां उदन ग्रंथ विद्या सागर की गल की, नौ मण का एक ग्रंथ लिखाया सी महाराज ने, छोटे छोटे अक्षरां विच कवियां तो, नौ मण का ग्रंथ जिहड़ा रुड़ गया हुण सरसा दे विच। जे वह हुंदा फिर तां आपां नूं बहुत औखा सी पढ़ना, नौ मण का ग्रंथ किहड़ा पढ़े। इस करके महाराज ने बहुत कुछ दिता। जदों सतगुरु जी सचखंड जाण लगे हजूर साहब, चार क दिन पहला सिख कोल बह जाण, महाराज जी हुण जे आ काम करना फिर की करया करांगे, आ जे करना फिर किहड़ा अभ्यास करिए, फिर आ करिए। सतगुरु फिर दसी गए हुण जाणा असीं, फिर महाराज जी कहण आ भाई अभ्यास शब्द दा कर लिया करो, आ कर लिया करो, आ कर लिया करो। महाराज जी जे काम बहुत अड़ जाए, जे संकट पै जाए बहुत ज्यादा, सतगुरु कहिंदे फिर भाई तुसीं संपट ला के पाठ करना। यह जिहड़ा संपट पाठ उत्थों महाराज जी दे अखीर ते यह मुक्त मार्ग ग्रंथ जिहड़ा लिखिया गया, उहदे विच मुक्त मार्ग विच ही रलेवां हो गया, क्यों हथ लिख सी बहुत ज्यादा। इस करके वह जिहड़ा संपट की चीज़, संपट गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी हैगा, आ जिहड़ा 52 अखरी है सारा संपट ही है, सलोक है फिर पौड़ी है, फिर सलोक है फिर पौड़ी है। संपट मेन उहदा गुरदेव माता गुरदेव पिता शुरू च है, गुरदेव माता गुरदेव पिता अखीर ते जा के है, यही संपट है। संपट की चीज़ हुंदी है, संपट बस एक शब्द उपर लाउणा, जो इच्छा उह विचाले ला दिता। और संपट की चीज़ हुंदी जदों आह कोई चीज़ मार दे, पहलां भी दस्सिया ते बई तौड़ी दे विच पा के सुखा, उहदे उत्ते फिर पा दिंदे ने जिहड़ा पारा कच्चा, फिर सुखा, फिर पारा, फिर सुखा, फिर पारा पा के भर के चंगी तरह उत्ते वो जड़ा हुंदा ना ढक्कण जिहा,
ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੋਹੇ ਖੜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਲਦਾ 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 ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਅੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਅੜਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਓਨੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਪੱਟੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ 12 ਫੁੱਟ ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦੋ ਇਹਦੇ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ? ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ